की खबर का रुख कर लेते हैं। नीदरलैंड ने वर्ल्ड कप में दूसरा मैच जीता है। नीदरलैंड ने बांग्लादेश को 87 रन से हराया है। मिक्रन के झटके, 4 विकेट मिक्रन ने झटके हैं। बांग्लादेश की टीम 142 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। मिक्रन को प्लेयर ऑफ द मैच आज चुना गया है। इसके साथ ही मुझे लगता है कि नीदरलैंड ने आज 20 साल का जो अपना एक तरह से साल पुराना रिकॉर्ड जो है वो तोड़ा है। नीदरलैंड ने बांग्लादेश को 87 रन से हराते हुए अपना 20 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी जीत के मामले में डच टीम को पिछला रिकॉर्ड 64 रन का था। टीम ने 2003 के वर्ल्ड कप में नाम्बिया को ब्लॉमफोंटेन के मैदान पर हराया था। और इसके साथ ही बांग्लादेश की टीम 142 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। नीदरलैंड ने वर्ल्ड कप में यह दूसरा मैच जीता है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी आगे जुड़ेंगे, लेकिन इन सब के बीच आज दरअसल दो मैच थे, दोनों ही इंटरेस्टिंग रहे। नीदरलैंड से तेज गेंदबाज पॉल वॉन मिक्रन ने सबसे ज्यादा 4 विकेट झटके। शानदार परफॉर्म जो है वो मिक्रन करते नजर आए। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मनोज जोशी, एडिटर स्पोर्ट्स, जुड़ गए हैं। अनिल ठाकुर हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। मनोज जी, आपके पास आना चाहूंगी और समझना चाहेंगे। मुझे लगता है 20 साल का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ा है आज नीदरलैंड ने बांग्लादेश को हराकर। देखिए, अगर कोई एसोसिएट टीम अगर किसी टेस्ट प्लेइंग कंट्री को हराती है और 229 रन का छोटा सा स्कोर बनाने के बावजूद उसका बखूबी बचाव करती है तो इसके बहुत मायने हैं। वहीं बांग्लादेश की टीम की अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसको 20 साल पहले टेस्ट क्रिकेट का दर्जा हासिल हुआ था, 25 साल से ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल रही है, लेकिन अभी तक उसने पुरानी गलतियों से सीखा नहीं है। एक उलटफेर करने वाली टीम बनकर रह गई है, क्योंकि अगर आप देखें तो केनिया जिस तरह से सेमीफाइनल में पहुंचती है 2003 के, 1999 के वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे सुपर सिक्स में पहुंचती है, लेकिन बांग्लादेश की टीम ने अभी तक अपने अनुभवों से बिल्कुल कुछ नहीं सीखा। और जिस तरह से उनके खिलाड़ियों ने आड़े तिरछे शॉट खेलकर, रिवर्स स्वीप खेलकर जिस तरह से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है, वो उसको सोचने के लिए मजबूर करता है आगे के मुकाबलों के लिए। अब कैसे देखते हैं अनिल, आप इसको, मिक्रन की बात करें तो नीदरलैंड के तरफ से 4 विकेट उन्होंने लिया और बहुत शानदार वो खेलते हुए नजर आए जिस तरह से उन्होंने विकेट लिए। और साथ ही बांग्लादेश की तरफ से कहां चूक आपको लगा, और क्योंकि एक तरह से कहा जाए तो टारगेट बहुत कम था। बिल्कुल, देखिए अनन्या, जिस तरह से मनोज जोशी जी ने बात की, नीदरलैंड्स की टीम जो धर्मशाला में मैच खेली थी साउथ अफ्रीका को हराकर बड़ा उलटफेर किया था, उसके बाद जो है उनका कॉन्फिडेंस लेवल आपने आगे के मैच में भी देखा होगा। श्रीलंका के खिलाफ मैच लखनऊ में खेला था उन्होंने, वहां भी अच्छा स्कोर किया था श्रीलंका के अगेंस्ट, और आज फिर उन्होंने एक बार बता दिया है कि हम किसी से कम नहीं है। नीदरलैंड्स की टीम ने 229 रन का जो स्कोर किया उसको बचाने में वो कामयाब रही। जो बांग्लादेशी खिलाड़ी हैं बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं बांग्लादेश की टीम में, लेकिन फिर भी वो इस स्कोर को बचाने में नाकामयाब रहे। बल्लेबाजी अगर आप देखें तो लिटन दास जो हैं सस्ते में निपटे, आपके ओपनर काम नहीं कर रहे हैं। आप बीच में आपने अच्छी बल्लेबाजी करने की कोशिश की लेकिन आप रुक नहीं पाए, आप 42 ओवर ही खेल पाते हैं, उसके बाद आप पूरी टीम पेवेलियन लौट जाती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बांग्लादेश की टीम को सोचना चाहिए और जो मैनेजमेंट है वो इस पर विचार कर रहा होगा कि किस तरह से, अगर छोटी टीमों के खिलाफ आप नहीं जीत पा रहे हैं, अफगानिस्तान, नीदरलैंड्स ये आपको पसीने छुटा दे रहे हैं, तो फिर बाकी टीमों से आप कैसे निपटेंगे, ये बड़ा सवाल है। हालांकि बांग्लादेश के बॉलर्स की बात करें तो उनकी शुरुआत जो है वो शानदार हुई थी, लेकिन नीदरलैंड के जो बल्लेबाज थे उन्होंने शुरुआत में ही विकेट भी खो दिए, लेकिन बाद में बहुत सधा हुआ खेलती हुई नजर आई नीदरलैंड। मनोज जी, बिल्कुल, और यही देखा जाए तो नीदरलैंड टीम की सबसे बड़ी खूबी है कि बॉलिंग उनके पास बहुत अच्छी है, लेकिन बल्लेबाजी जिस दिन चलती है उस दिन वो मैच जीतते हैं। आज भी यही हुआ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी यही हुआ, और जिस तरह से एडवर्ड्स ने आज बल्लेबाजी की है, ये ऑस्ट्रेलिया में पले बड़े हैं, इनकी दादी जो हैं वो डच थी और उन्हीं की वजह से ये वहाँ नीदरलैंड आए, और 5 साल पहले ही इनको वहाँ का वीज़ा भी मिला, वहाँ खेले ये और बहुत कम समय वहाँ रहे हैं, लेकिन जैसे आए वहाँ की तकदीर इन्होंने बदल दी। आप ये इसका अंदाज़ा आप इससे भी लगा सकते हैं इस मैच में कि विकेट के पीछे इन्होंने चार कैच लपके, बेहतरीन कैच लपके, और विकेट के आगे जो है बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया।
68 रन बनाए 89 गेंदों पर बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में, जबकि विकेट नियमित अंतराल से गिर रहे थे, ये अपना खूंटा गाड़कर खेलते रहे। फिर उसके बाद इन्होंने जो कप्तानी जो की है मैदान पर वो भी काबिले तारीफ थी। महमूदुल्लाह जिन्होंने पिछले मैच में सेंचुरी बनाई थी बांग्लादेश के लिए, उनका विकेट चटकाया, आर एन दत्त को लेकर आए ये, और बहुत ही क्रूशल समय में उन्होंने जो बॉलिंग में बदलाव किया वो बहुत कारगर साबित हुआ। तो यानी कप्तानी, विकेट कीपिंग और बल्लेबाजी तीनों में बेमिसाल। बिल्कुल, और इसके साथ ही अगर अनिल ये देखें, क्योंकि पावर प्ले की बात करें बांग्लादेश में, तो पावर प्ले में भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया, 2 विकेट दे दिए, 39 रन थे अगर हम 10 ओवर की बात करें। और वहीं अगर हम बांग्लादेशी के बॉलर्स की बात करते हैं तो सिर्फ 4 विकेट बांग्लादेश के बॉलर्स की तरफ से लिया गया, तो बल्लेबाजी भी नहीं ठीक रही, और ऊपर से हम ये कह सकते हैं कि बॉलर्स पर अगर हम भरोसा दिखाएं तो 4 विकेट ही मुझे लगता है कि झटके। बिल्कुल, देखिए बांग्लादेश की जो ताकत मानी जाती है वो वहाँ उनके जो स्पिनर्स हैं उन पे डिपेंड रहते हैं। शोरीफुल इस्लाम हैं, वो अच्छा कर रहे थे, विकेट ले रहे थे, लेकिन इस मैच में जिस तरह का प्रदर्शन इन गेंदबाजों को करना चाहिए था उस तरह का प्रदर्शन नहीं देखने को मिला। आपके बल्लेबाज सस्ते में निपट गए, लेकिन तारीफ जिस तरह से मनोज जोशी जी ने बताया कि नीदरलैंड्स की टीम की करनी चाहिए, एक छोटी सी कंट्री जिसमें मुझे लगता है कि 8 से 10 हज़ार कुल लोग क्रिकेट खेलते हैं, हमारे यहाँ पे मुझे लगता है कि एक छोटे से शहर में 8-10 हज़ार लोग जो हैं क्रिकेट खेलने में रुचि दिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक छोटा, और इसमें मैं आपको बता दूं कि 6 से 7 प्लेयर जो हैं वो नीदरलैंड से बाहर के जो टीम में खेलते हैं, लेकिन एक जज्बा है। और मुझे लगता है जो उलट फिर आपने धर्मशाला में किया उसके बाद आपके पास खोने को कुछ नहीं, आपके पास कॉन्फिडेंस से लवरेज टीम थी, और हर क्षेत्र में बल्लेबाजी, गेंदबाजी, जिस दिन आपका टॉप ऑर्डर काम नहीं करता आपका मध्यम क्रम काम कर रहा है। एडवर्ड इससे पहले भी अच्छी पारी खेल चुके हैं और अपनी टीम को जिताया है उन्होंने, तो आज भी एडवर्ड्स ने जब मैदान पे उतरे तो उन्होंने पारी को संभाला, अर्धशतकीय पारी खेली और एक अच्छा स्कोर किया, लेकिन बांग्लादेश की टीम की तरफ से ये देखने को नहीं मिला। आप 42 ओवर में ही आप सस्ते में पेवेलियन लौट, पूरी की पूरी टीम लौट गई और हार का सामना आपको करना पड़ा। चलिए आप रहिएगा, आप दोनों ही हमारे साथ रहिएगा आगे भी, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराया, न्यूजीलैंड को 389 रन का टारगेट दिया था। न्यूजीलैंड की विश्व कप में दूसरी हार, जेम्स नीशम की साहसिक पारी गई बेकार, न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र का शतक बेकार, ऑस्ट्रेलिया के एडम जेम्पा ने झटके 3 विकेट, पेट कमिंस और जोश हेजलवुड के लिए 2-2 विकेट, ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड ने खेली 109 रन की शानदार पारी। तो ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 5 रन से हराया, और हमारे साथ लगातार बने हुए हैं मनोज जी और साथ ही अनिल जी। मनोज, क्योंकि हमने देखा ये जो पूरा मैच था बेहद रोमांचक था, एक तरह से कह सकते हैं कि हार्टबीट बढ़ा देने वाला ये मैच था जिसमें न्यूजीलैंड को ऑस्ट्रेलिया ने 5 रन से हरा दिया, आप कैसे देखते हैं इस मैच को? देखिए मैं तो कहूँगा दोनों टीमों का जो अंतर है वो बहुत, वैसे तो बहुत ही कम था, लेकिन जो बड़ा अंतर साबित हुआ पावर प्ले का खेल हुआ, जहाँ एक टीम 118 रन बनाती है, 118 रन बिना कोई विकेट खोए हुए, और वो दूसरी टीम जो है वो भी अच्छा खेलती है, 67 रन बनाती है, लेकिन जो डिफरेंस है वो 51 रन का अंतर हो जाता है, लेकिन बीच के ओवरों में वो कवर भी कर लेती है। जो 40 ओवर तक का जो खेल होता है वहां पर बहुत ही अच्छा खेल दिखाती है न्यूजीलैंड की टीम, जिसमें रचिन रविंद्र की शानदार सेंचुरी भी होती है। लेकिन दूसरा जो बड़ा फर्क है वो है ट्रेविस हेड और वार्नर का शुरू में चलना और आखिरी के ओवरों में 2 बल्लेबाजों का चलना, कमिंस और जोस इंग्लिश का, और जिस तरह से उन्होंने नीशम आए उन पर एक ओवर में 4 छक्के लगा दिए, जिस तरह से आखिरी 4-5 ओवरों में जो रनों की बरसात कर दी, वो दोनों के बीच का बड़ा अंतर साबित हुआ, क्योंकि न्यूजीलैंड के पास बल्लेबाजी बची नहीं थी और उसके पुछल्ला जो बल्लेबाज थे, टेल जो थी वो खेल रही थी, जिससे आप लगातार 3-4 छक्कों की उम्मीद एक ओवर में नहीं कर सकते। बिल्कुल अनिल, क्योंकि अगर हम बात ऑस्ट्रेलिया की करें, क्योंकि लास्ट में जिस तरह से देखा जाए आखिरी ओवर की बात करें तो दमदार फील्डिंग जो है वो ऑस्ट्रेलिया की देखने को मिली, और शायद मुझे लगता है कि वही एक बड़ी वजह नजर आती है जो जीत में बदल गई और जेम्पा ने अहम मौके पर विकेट दिलाए। बिल्कुल, देखिए लास्ट ओवर जो है स्टार्क के पास था और वो इस विश्व कप में थोड़ा सा लय से भटके हुए हैं, लग रहा था कि कहीं मैच छिन ना जाए, लेकिन जो निशम का रन आउट होना है मुझे लगता है कि वो फेवर कर गया ऑस्ट्रेलिया के लिए, और न्यूजीलैंड
उस विकेट गंवाने के बाद जो है वो हार की तरफ बढ़ गया, और वो एक ऐसे प्लेयर थे जो बहुत अच्छा खेल रहे थे और उन्होंने बाजी पलट दी थी करीब करीब, लेकिन अंतिम ओवर जो है उसमें वो रन आउट हो गए, एक बड़ी गलती कर दी उन्होंने। लेकिन देखिए जिस तरह का मैच हुआ आज ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच, तो यहाँ क्रिकेट की जीत हुई, खेल की जीत हुई, क्योंकि क्रिकेट फैंस हैं उन्होंने काफ़ी लुत्फ इस मैच का उठाया। और जिस तरह से मनोज जोशी जी ने बताया कि पावर प्ले में जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से विस्फोटक बल्लेबाजी की गई वार्नर और ट्रेविस हेड की तरफ से, क्योंकि उन्होंने अगर पावर प्ले में आप 118 रन अगर स्कोरबोर्ड पर लगा देते हैं तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस तरह से T20 फॉर्मेट में आप वनडे को खेल रहे हैं और बिना किसी रुके। और क्योंकि देखिए न्यूजीलैंड के जो मेन गेंदबाज हैं वार्नर और ट्रेविस हेड ने उनकी पिटाई की है, उसके बाद जो बाकी गेंदबाज थे तो वो वैसे ही डरे हुए थे, और एक बड़ा स्कोर आपने स्कोर बोर्ड पर लगा दिया। हालांकि न्यूजीलैंड की टीम जो है वो पहले मैच से ही लय में नज़र आ रही है और अच्छा प्रदर्शन कर रही है, लेकिन ये लगातार दूसरी हार है न्यूजीलैंड की और ऑस्ट्रेलिया की चौथी हार है। ऑस्ट्रेलिया शुरुआत में मैच हारा, लेकिन अब बिना डरे बिना हारे वो आगे बढ़ रहा है और जितने मैच खेल रहा है उतना ही खतरनाक हो रहा है, तो बाकी टीमों के लिए एक बड़ा अलार्मिंग। बिल्कुल, और एक तरह से देखा जाए मनोज जी, क्योंकि अगर हम एडम जंपा की बात करते हैं तो जो मिडिल ऑर्डर था न्यूजीलैंड की उसकी एक तरह से कमर तोड़ दी। जी हाँ बिल्कुल, एडम जंपा कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, और वहाँ अगर देखें तो खाली एक फिलिप्स थे बॉलिंग के अंदर जहाँ जिन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, लेकिन जो न्यूजीलैंड के गेंदबाज हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे साबित हुए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज महंगे साबित हुए लेकिन उतने ज़्यादा नहीं कि 10 रन प्रति ओवर से ज़्यादा के उन्होंने रन लुटाए हों, ये भी एक दोनों टीमों के बीच का बड़ा अंतर साबित हुआ। लेकिन मैं इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो मुझे बड़ी खुशी हुई इस मैच को देखकर कि एक टीम 388 रन लुटा रही है और दूसरी टीम 383 रन लुटा रही है, इसका मतलब है गेंदबाज उतनी लय में नहीं है, बल्लेबाज रन बना रहे हैं, तो ये भारत के लिए अच्छा साइन है कि अगर गेंदबाजी नहीं चल रही है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की, क्योंकि ये ऐसी टीमें हैं जिनसे हमारा नॉकआउट में भी पाला पड़ सकता है, और जाहिर सी बात है कि जो टॉप चार टीमें हैं उसमें ऑस्ट्रेलिया भी है, न्यूजीलैंड भी है, साउथ अफ्रीका भी है जिनसे हमें खेलना है अभी कोलकाता के मैदान में, और भारत है, तो ये भारतीय दृष्टिकोण से अच्छा है कि गेंदबाजी दोनों की नहीं चल रही।